हेलो टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आप देख रहे हैं द फैमिली कम्यूटर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, मैं काफ़ी समय के बाद मोटो ब्लॉग कर रहा हूं। बहुत समय से व्लॉग्स नहीं डाल रहा था क्योंकि यार क्या होता कि लाइफ बहुत बिजी चल रही थी तो व्लॉग डालने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट क्या कहते थे कि कभी कुछ गए और वहाँ पर कुछ यूनिक कंटेंट मिला तो उसका शॉर्ट बना के हम यूट्यूब पर भी डालते थे और इंस्टा रील भी डालते थे। तो यार लास्ट मैंने मोटो ब्लॉग किया था मैजिशियन ADBI के मीटअप पर, तो वहाँ मुझे मिले था मयंक, जिनका इंस्टा हैंडल है RX मयंक, जिसका उनकी ID मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो आज हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं, उनके पास है क्योंकि एक क्लासिक RX 100, जो कि यार मतलब इतनी प्यारी कंडीशन में है ना कि मज़ा आ गया। RX 100 आज के ज़माने में काफ़ी रेयर है और यार ये लेजेंडरी बाइक है। मतलब इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वो था 1985 में और 1996 तक इसका प्रोडक्शन चला था। उसके बाद तो जितनी भी बनी है ना सब लोगों ने मॉडिफाइड करवाई है। और आजकल तो क्या चला है कि कोई भी गाड़ी है तो पुरानी गाड़ी को उसके ऊपर RX 100 की बॉडी किट लगा के ये लोग चला रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है ना वो ओरिजिनल है। और वो भाई के पास है ना, मयंक के पास, वो पूरी प्योर ओरिजिनल है। उसमें थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन काम चल रहा है, जैसे मैं देख सकता हूँ उसका जो मीटर है, मैंने लास्ट टाइम देखा था तो वो डिफरेंट मीटर था, सिंगल यूनिट वाला राउंड मीटर था, लेकिन अब उनके पास ओरिजिनल वाला भी रखा है तो अब देखते हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन में उनकी बाइक है यार, मतलब जो शाइन आता है, जो क्रोम उनका जो शाइन देता है ना वो अल्टीमेट है, तो मज़ा आ जाता है बिल्कुल। तो चलिए उनसे जाके मिलते हैं और उनकी बाइक देखेंगे, बाइक चलाएंगे भी, मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम उनसे मिलेंगे 709 साई मंदिर में, फिर हम जाएंगे डुमना और वहाँ जाके हम उनकी बाइक राइड करेंगे। मयंक भाई ने एक बार मुझे उस समय बताया था कि उनकी गाड़ी 1991 की है, मींस मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं, आई थिंक 31 प्लस होगी। तो और आप मैंने जब देखी थी ना भाई तो क्या कंडीशन में थी। तो चलो आपको भी मैं दिखाता हूँ उस बाइक को, मिलते हैं सीधा मयंक भाई से मीटिंग लोकेशन पे। तब तक के लिए आप शॉर्ट्स एंजॉय कीजिए। Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. तो गाइस, जब तक मयंक भाई नहीं आए हैं तो तब तक आप भी प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, ID है द हंगरी कम्यूटर, और जाके प्लीज़ फॉलो कीजिए। और अगर यूट्यूब पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो यार, नए हैं इस खेल में लेकिन आखिरी दम तक रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। गजब भाई, कैसे हो? आप कैसे? बढ़िया भाई, बढ़िया। सही चल रहा है आपका तो भी? है? आपका तो सही चल रहा है। अरे बिल्कुल। वो मेरे पास वीडियो पता नहीं कहाँ मिस हो गई शायद, इस वाली RX में सेल्फी भी है। अच्छा, ये लगा सब स्विच बताओ, सेल्फी डाल दो डिस्प्ले डाल दो, क्लासिक का मजा ही नहीं रह जाएगा क्या? इसमें से मीटर में चेंज है ना इसका? हाँ, नहीं वो भी घर पे रखा है, इसको ना दीपावली रात में पूरा स्टॉक करने का है। अच्छा, मतलब मैं बताता हूँ, ये गाड़ी मेरे पास मतलब मेरे मामा जी की थी। हाँ। कोविड के पहले, मतलब कोविड से 6 साल पहले वो कैसे हालत में खड़ी थी, एक चक्का कहीं और पड़ा है, पीछे वाला चक्का कहीं और है, साइलेंसर नानी के घर पे, टैंक पता नहीं कहाँ है, सीट तो है ही नहीं, मतलब पूरा लाल पांच लाला के जोड़ा है। फिर मैंने धीरे 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 करके अरेंज किया और घर वालों से इतना सपोर्ट है ही नहीं। अच्छा भाई, एक चीज बताऊं, घर वालों से ना बाइकिंग में सपोर्ट स्टार्टिंग में रहते ही नहीं है, अगर उनको ये लगता है कि भाई उनका अकॉर्डिंग चला रहे हो ना, हाँ, उससे आगे तुम्हें 10 बार क्या करना है।
अब दीपावली तक इसका ऐसा प्लान है कि इसको स्टॉक करने का पूरा। अभी इसमें क्या है, आपको ये बचा होगा, मीटर बचा है, लेग गार्ड बचे हुए, इसका मीटर आता है उसमें, यहाँ पे इग्निशन होता है, हाँ तो वो तो साथ में ही रहता, कंबाइंड रहता पूरा, हाँ और बस और लेग गार्ड बचे हुए, तो अभी इसका इग्निशन अच्छा यहाँ पे रखा है साइड में क्या। अच्छा, और जो मेरा जब मैं एक बार नजारा व्यू पॉइंट गया होगा, मैंने रील डाली थी एक्सीडेंट हाँ। हुआ। अच्छा भाई, इतनी सही गाड़ी जो ये फेंडर तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, मिल जाएगा हाँ। ओरिजिनल टू ओरिजिनल सब यहाँ मिल जाएंगे ना, मुझे तो संदीपल उसके यहाँ भी है मगर वो बहुत जल्दी रस्ट पकड़ लेते, मतलब डुप्लीकेट टाइप का ही माल होगा, डुप्लीकेट ही है वो, दोबारा क्रोम करके भेज देता होगा वो, तो करते ही है ना, जैसे मैं अभी अगर ये किसी को मिल जाएगा वो इसी में करेंगे ये हाँ। तो वेल्ड वगैरह करके उसको सीधा करके क्रोम करके वापस भेज देंगे, वो मजा नहीं आ जाएगा फिर इसमें क्या, फिर तो स्प्लेंडर चला लो चाहिए चला, वो बात नहीं रह जाएगी भाई, बाकी तो बड़े सही है लेकिन बस दीपावली तक, और फिर उसके बाद एक कंप्लीट ब्लॉग बनाएंगे उसका स्टॉक, बढ़िया करो जल्दी जल्दी करवाओ उसको, कलर तो भाई इसका जो ओरिजिनल आता था ना कि सिंगल कलर स्ट्रीम में ऊपर यामाहा ब्लैक में हाँ, येलो स्ट्रिप, येलो स्ट्रिप वो बेस्ट रहता है, वो बस दीपावली आ जाए या फिर अभी रात्रि के आसपास अगस्त में करा लो, और एक ग्रे वाला आया था वेरिएंट जो पूरा ग्रे ग्रे था वो भी अच्छा लगता था, एक वाइन चेरी कलर था और एक ग्रे था हाँ। एक ब्लैक आया था वो जब 2000 स्टार्ट हुआ था ना उसमें आ गया था, 2000 से लेके 2005 तक में बिका था वाला, ज्यादा वो वाला लेकिन अलग से बिका था, प्रोडक्शन हाँ। से नहीं आया था, वो प्रोडक्शन से नहीं आया वो ऑन डिमांड हो रहा था, वो तो ऑन डिमांड हुआ था हाँ। RX कॉपी भी बनने लगी थी जब इंडोनेशियन बाइक्स आ गई थी ना हाँ हाँ। अरे वो कुछ नहीं भाई, सिर्फ बॉडी RS ही लगा देता, इंजन RS का नहीं रहता था, बाकी साइलेंसर कुछ करते थे वो लोग, अब बंदे देख रहा हूँ मैक्स 100 आती है 2 स्ट्रोक हाँ हाँ भाई, उसका इंजन है बॉडी चेंज कर रहा है मतलब क्या ही बोले यार, बेइज्जती है, मतलब जो गाड़ी मिल जाए उसको RX बना के बस चल लो, बंदे तो स्प्लेंडर के इंजन पे RX के चेसिस बिठा रहे, देखा है मैंने कई लोग को, अब उसमें मजा कहाँ आता है, लेकिन बस लोग मिल जाता है उनको कि भाई RX है, RX है पावर थोड़ी ना मिलेगा वैसा, इसको तो स्टॉक करवा दो बढ़िया मजा आ जाएगी भाई, इस साल तक तो पूरी काफी चीजें स्टॉक ही है, नहीं सारा स्टॉक है, साइलेंसर स्टॉक है, इंजन पैनल तो मेन तो साइलेंसर ही है भाई, साइलेंसर के बिना RS में मजा क्या है, मतलब टैंक और साइड पैनल है ये भी सिर्फ पेंट हुआ है, हां हां स्टॉक है, हैंडल बार बस मेरा है और हर चीज ही स्टॉक है इसमें, जो नहीं हैंडल बार अभी कंफर्ट देता होगा चलाने में, और जो इसके रिम्स हैं ये भी स्टॉक है, कुछ नहीं भाई इसको बस एक बार ना रीग्रोप वो करवा देना सब मजा आ जाएगा, नहीं क्रोम तो कहीं पे भी हो जाता है, जो नॉर्मल वेल्डिंग की शॉप्स वगैरह हाँ। के पास बफिंग का होता है सामान हाँ। तो कर देते हैं, सही है चलो फिर चले चलो।
खोले भाई, पिकअप इसका मेरी से ज्यादा है, पता ही नहीं इसका पिकअप मेरी गाड़ी से ज्यादा है। चार कह रहे ना? हाँ, चार है। इसमें मैं बताऊँ, 5 में मैं इसको थोड़ा सा टैकल कर सकता हूँ, लेकिन अगर स्ट्रेट हाईवे पे वो करना तो ये आगे जाएगी। हाँ, भले टॉप एंड में बाद में पीछे हो जाए, बट इनिशियल में तो इनिशियल आगे है। इनिशियल आगे मैं बताता हूँ, इनिशियल आगे है, इनिशियल आगे, मिड में वो आगे जाएगी। एक काम करते हैं, जब मैं सर्विसिंग कराऊंगा ना तो अपन बात करेंगे, उसके बाद में आपको एक बार और। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, इनिशियल तो जाएगी आगे, इनिशियल तो आगे, मिड एंड हो सकता है वो निकल जाए। हाँ, मिड एंड तो वो निकल जाएगी। मतलब बात कहाँ पे आएगी, फोर्थ से फिफ्थ गियर पे। हाँ, शिफ्ट करने पे थर्ड गियर तक तो इसके कोई आगे नहीं है भाई। लेकिन अगर टॉप एंड की बात जाएंगे ना, तो ये बीट कर देगी, क्योंकि अभी तो वो खैर 105-110 तक जाती है, ये बीट कर देगी भाई। लेकिन मजा आ गया, बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी है। जब मैं सर्विसिंग करा के आऊंगा ना, तो एक बार फिर से अपन प्लान करेंगे। बिल्कुल यार, पता मैंने लाइफ में सेकेंड टाइम चला रहा हूँ RX। अभी क्या है ना कि सर्विस पे इसके जो दोनों ब्रेक्स हैं, ब्रेक एक चीज़ है यार अभी ना, थोड़ा सा ना शिफ्टिंग हार्ड है, शिफ्ट नहीं, क्लच है, क्लच का तुम्हारा बहुत लीड आ रहा है। क्या है कि जो जब सर्विस होगी ना, तो क्लच जिसके अंदर होता है प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट जो होती है वो भी चेंज होगी, दोनों साइड के ब्रेक पैड्स हो गए, और बस, और जो वायरिंग इशू है थोड़ा बहुत वो इलेक्ट्रिक्स का नहीं, लेकिन ऑल दो बाकी सब बढ़िया है। हाँ, बस शिफ्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स है, बाकी लेकिन बढ़िया है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो प्रेशर प्लेट होती है ना, वो काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूं, अभी चेंज की, तो सही है यार। तो अब नेक्स्ट अपन मिलेंगे, बढ़िया बनाएंगे इसको, ठीक है। इस ब्लॉग को यहीं पर अपन एंड करते हैं, लेकिन जब भी रिस्टोर करवाओ तो उसका अपन फुल ब्लॉग डालेंगे, ठीक है। बस अगस्त या सितंबर तक हो जाएगी सारी। बिल्कुल। तो गाइस, ये थी मयंक भाई की RX 100। तो यार ये तो लेजेंडरी बाइक है, अब हम इसको धीरे धीरे कस्टमाइज जब भी करवाओ, जब भी इसका अपन वो कर रेस्टोर करवाओ, पूरा डिटेल डालेंगे इसकी। अल्टीमेट मशीन है भाई, अल्टीमेट मशीन है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस की RX 100 लेजेंडरी फेवरेट बाइक है। और अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर कीजिए, और कोई भी डिटेल्स हो तो मयंक भाई से बात करें। मतलब इतनी कम एज में ना इनको काफ़ी नॉलेज है, और अगर जबलपुर से हो और RX 100 का कुछ भी हो तो भाई इनसे बात करो, काफ़ी पहचान है, काफ़ी पहचान है RX के लिए। स्पेयर पार्ट्स जो ओरिजिनल चाहिए। हाँ हाँ भाई, इनके काफ़ी डीलर से काफ़ी पहचान है, तो इनसे बात करो, सब दिलवा देंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।
ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया।